नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी मखाने की सब्जी रेसिपी। मखाने की सब्जी तो आप बहुत बार बनाए होंगे, एक बार मेरे तरीके से मखाने की सब्जी बनाइए जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी और सब लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। मखाने की सब्जी बनाने के लिए एक कटोरी का मखाना लिया है, इसको अच्छे से साफ करके देख लेंगे कहीं इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है, मखाना अच्छा है। अब इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए गैस के ऊपर एक पैन चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे। हाँ, मैंने सरसों का तेल लिया है, देख सकते हैं। इसको सुनहरा होने तक भून लेंगे इस तरह से। यदि यह मखाने की सब्जी रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए मखाने का कलर बिल्कुल अब चेंज हो गया है, थोड़ी ही देर में मखाना हो जाएगा और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। कढ़ाई में फिर से डालेंगे तेल और इसके ग्रेवी के लिए कटी हुई प्याज को भून लेंगे। यहाँ पे 3 से 4 मीडियम साइज का प्याज था जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था इस तरह से, और इसको सुनहरा होने तक भून लेंगे। देखिए प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, सुनहरा हो गया है कलर। अब इसी स्टेज पर डाल लेंगे लहसुन। यहाँ पे 10 से 12 कलियाँ लहसुन का था जिसको मैंने छील कर रखा हुआ था। लहसुन के साथ प्याज को सुनहरा होने तक भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे कटी हुई टमाटर, 3 से 4 मीडियम साइज का टमाटर था जिसको पतला पतला काट लिया था। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। देखिए टमाटर अच्छे से पक गई है। अब इसको ठंडा करेंगे और मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड करके इस तरह से पेस्ट तैयार कर लेंगे। गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब जीरा और खड़ा गरम मसाला से तड़का लगा लेंगे। जब मसाले अच्छे से चटक जाएं तब इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे, कलछुल की मदद से इसको उलट पलट कर चला लेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेना है। देखिए मसाला पकना शुरू हो गया है। अब इसी स्टेज पर डालेंगे धनिया पाउडर गरम मसाला के साथ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और मसाले को तब तक भूनना है जब तक मसाले से तेल अलग ना हो जाए। देखिए मसाला अच्छे से भुना गया है। अब इसी स्टेज पर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच फेटी हुई मलाई और डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले के साथ मलाई को अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। अब डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। देखिए मसाला अच्छा से पक गया है। अब डालेंगे इसमें फ्राई किया हुआ मखाना और डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। 1 से 2 मिनट तक इसे पका लेंगे। देखिए मखाना अच्छे से पक गया है मसाला के साथ। अब इसमें डालेंगे पानी, जितनी ग्रेवी चाहिए उसी के हिसाब से पानी डालिएगा। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा गिलास का पानी लिया था जिसको डाल लिया है। देखिए सब्जी पकना शुरू हो गया है, थोड़ी ही देर में सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे सर्व